सोप या फिर फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। ओ माय गॉड, लगता है मेरा गिर गया। पता नहीं क्या, मुझे आज वर्ड ही नहीं निकल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी। बेसिकली मैं फेस मास्क अप्लाई करूँगी, जो मैंने पहले भी अप्लाई किया है और रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू ऑल, ताकि आप लोग भी अप्लाई कर सके, आपकी स्किन भी थोड़ी अच्छी हो जाए। सो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। चलिए गाइस, अप्लाई करके देखते हैं कैसा है। तो मैंने यहाँ पे हाथ से अप्लाई किया है। काफ़ी लोग इसे मतलब ब्रश से भी लगाते हैं या फिर कुछ और किसी चीज़ों से, लेकिन मैं हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग कुछ और यूज़ करें या फिर आप हाथ से ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो आई थिंक आई एम डन। मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, मैं एक ग्लास ले लेती हूँ। सो आप लोग देख ही सकती हो, मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं 15 मिनट्स तक रुकूंगी। सो आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोग को अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स तक रुकना है, उसके बाद सिर्फ पानी से धोना है, कोई सोप या फिर फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। ओ माय गॉड, लगता है मेरा गिर गया। यही प्रॉब्लम इसका, थोड़ा आपको ऐसे एक कुछ प्लेट या कुछ ऐसे रखना होगा, मतलब आपको देखते रहना होगा कि कहीं गिर नहीं रहा है। वरना आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, कुछ टॉवल या फिर जो गंदा कपड़ा है वो आप लोग ऐसे गले पर लगा भी सकते हो, ताकि मतलब ये नीचे नहीं आए। अगर आपकी स्किन मतलब ड्राई नहीं है, ऑयली है, तो फिर आप लोग दही और जो मैंने हनी यूज़ किया है वो आप नहीं करने से भी होगा। लेकिन मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, जिसकी वजह से मैंने ये दोनों ही अप्लाई किया है। या फिर आप लोग एक भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर दही या फिर हनी, दोनों में से एक भी अप्लाई करने से भी होगा। और जिनकी स्किन मिक्स है, जैसे किसी किसी का ऐसा होता है ना कि मतलब फेस का आधा पार्ट, मतलब आधा मतलब कुछ कुछ पार्ट ऑयली होता है और कुछ कुछ पार्ट ड्राई होता है, तो फिर वो लोग मतलब जो जो पार्ट में ड्राई है उसमें सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और जो जो पार्ट में उनका मतलब ड्राई स्किन है तो उसमें वो लोग हनी और फिर ये दही यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं क्या, मुझे आज वर्ड ही नहीं निकल रहे हैं। सो आई एम डन। अभी मैं तब तक रुकूंगी जब तक कि पूरी तरह से फेस मेरा सूख ना जाए, उसके बाद फिर से मैं पानी से वॉश करूँगी। ये सब फेस मास्क ये सब काफ़ी इजी है घर पे बनाने के लिए। सो आप लोग जब फ्री हो या फिर आपको जब स्किन केयर करने का मन हो, तो ये फेस मास्क आप आराम से घर पे बना के यूज़ कर सकते हैं।
सो मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अगर आप लोग का मन है तो आप लोग नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी हमें 15 मिनट्स तक रुकना है, उसके बाद हमें इसे पानी से धोना होगा। इसे मैंने 10 मिनट तक रख दिया था आफ्टर प्रिपरेशन। फिर अभी मैं इसे 2 मिनट के लिए स्क्रब करूँगी, उसके बाद पानी से धो दूँगी। तो मैंने अप्लाई कर दिया है, अभी मैं हाथ से 2 मिनट तक इसे अच्छे से फेस पे स्क्रब करूँगी। सो मैंने वॉश कर लिया है। आई नो कि आप लोग एक दिन में इतना चेंज नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक दो दिन के गैप में यूज़ करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अभी आप लोग कैमरा में इतना नहीं देख सकते, लेकिन मुझे मतलब आईने में देखकर ही लग रहा है कि हाँ, मेरी स्किन मतलब थोड़ा लाइट वेट, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू एन्जॉय डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा।